तीन रूल्स हैं जो बच्चे, जब ये पहली वाला ग्रुप था तो उनको जब फर्स्ट डे था तो मैंने वो चीज बोली थी, तो मैं तुम लोगों को भी बोलूंगी कि एक तो जब आप क्लास में बैठे तो कॉपी पेन जरूर लेके बैठे, क्योंकि क्या होगा हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस सबसे ज्यादा करेंगे, ठीक है। तो कॉपी पेन आपके पास क्लास में होना चाहिए, क्लास के नोट्स बनते रहने चाहिए। मैं जो डीपीपीस दूंगी वो डीपीपीस टाइम टू टाइम सॉल्व होनी चाहिए, ठीक है। ये कुछ दो तीन रूल्स हैं। और तीसरा रूल ये है कि जब क्लास में आओ तो क्या हो, 5 से 5 मिनट में वेट करूंगी, 5 मिनट में सारे बच्चे क्या हो जाने चाहिए, क्लास में आ जाने चाहिए, ठीक है। तो नो लेट एंट्रीज आर अलाउड, बस ये दो तीन रूल्स हैं। बाकी हाँ, कहीं भी कुछ समझ में नहीं आता है तो ये नहीं करना है कि मैम से दोबारा पूछने में कुछ हेजिटेशन हो रही है, ये टॉपिक नहीं समझ में आ रहा, शायद मुझे ही नहीं आ रहा, तो वो चीज नहीं करनी है। अगर आपको समझ नहीं आ रहा, अनम्यूट करो खुद को और मेरे से बोलो कि मैम ये समझ में नहीं आ रहा, प्लीज ये आप दोबारा समझा दो, ठीक है। तो कोई हेजिटेशन नहीं होनी चाहिए, क्लास को एकदम इंटरेक्टिव रखना है, वन वे कम्युनिकेशन नहीं होना चाहिए कि बस मैम पढ़ा रही है, ऐसा नहीं होना चाहिए। नहीं समझ में आ रहा रोको और फिर पढ़ाई हम लोग स्टार्ट करें, ठीक है। ऑल एग्री? यस मैम, यस मैम, यस मैम, हाँ जी। ये हैंड रेज कर रहे हैं, हर्षिता बोलिए। और आकांक्षा मैम क्या करती हैं, चैट बॉक्स पे अटेंडेंस भेज देती हैं, ठीक है। तो स्टार्टिंग के 2 मिनट सारे स्टूडेंट्स लेके चैट बॉक्स पे अपनी अटेंडेंस फिल कर दो, क्योंकि लास्ट में मैं देखती हूँ कई बच्चे कहते हैं मैम हम चैट बॉक्स नहीं पढ़ते और अटेंडेंस रह जाती है, तो अटेंडेंस मिस नहीं करनी है। जैसे ही मैम लिंक शेयर करती है तुरंत अपनी अटेंडेंस फिल कर दो, ठीक है। तो बच्चों हम लोग आज स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12। क्लास 11th में आप लोगों ने कवर कर लिया था मैकेनिक्स वाला पार्ट, राइट। अब क्लास 12th में क्या होगा, पूरी क्लास 12th हमारे एक चार्ज के इर्द गिर्द घूमेगी, यानी सिर्फ एक चार्ज होगा क्यू, करेक्ट। उस चार्ज के इर्द गिर्द पूरी जो 12th की जो हमारी फिजिक्स है वो इसके इर्द गिर्द घूमेगी। अगर मैं क्लास 12th के पोर्शन की बात करूं, बच्चों देखो क्लास 12th के दो पोर्शन की बात करती हूँ तो ये कुछ इस तरीके से डिवाइड होता है। हमारे पास तीन चीजें हैं पढ़ने के लिए, एक है हमारे पास क्या है, देखो एक तो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, दूसरी है इलेक्ट्रोडायनामिक्स, ठीक है। तीसरा हमारे पास आता है मैग्नेटिक फील्ड। फर्स्ट पार्ट, थर्ड पार्ट जो है, थर्ड पार्ट बोले तो वो है हमारी पूरी मॉडर्न फिजिक्स, करेक्ट। और सेकंड पार्ट मैं बोलूं ये है हमारी ऑप्टिक्स। पूरी की पूरी 12th क्लास की फिजिक्स इन तीन पार्ट्स में डिवाइड है, एक ऑप्टिक्स, एक मॉडर्न फिजिक्स और एक आपके पास इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रोडायनामिक्स और मैग्नेटिक फील्ड। ये आपकी, ये जो फर्स्ट आपका जो फर्स्ट पार्ट है ये पूरा का पूरा किस पे डिपेंड है, चार्ज पे, ठीक है। आप यहाँ पे पढ़ेंगे चार्ज, चार्ज के बारे में पूरी आप पूरी फिजिक्स पढ़ लोगे चार्ज की, कि चार्ज रेस्ट पे है तो हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, है ना। स्टैटिक्स दिख रहा है जो हम आज स्टार्ट करेंगे, स्टैटिक्स का क्या मतलब है, रेस्ट। और इलेक्ट्रिक का यहाँ पे क्या मतलब है, चार्ज, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो यूनिट है वहां पे आप पढ़ने वाले हो, चार्ज है रेस्ट पे। डायनामिक्स का क्या मतलब हो गया, चार्ज को मूव करा दो, यहाँ पे क्यू को क्या करा दिया, मूव करा दिया, तो उसके लिए हमारे पास एक अलग यूनिट हो गई, ठीक है। अब आप मैग्नेटिक फील्ड करोगे, पढ़ोगे, उसमें जब चार्ज मूव होगा तो आप देखोगे क्या क्या चीजें प्रोड्यूस हुई, वो हमारी किस में आ गई, मैग्नेटिक फील्ड का एक उसका फिनोमिना हो गया, करेक्ट। तो यहां से आप देखोगे कि चार्ज पे आपके कम से कम भी 5 से 6 यूनिट हमारे पास है,
पांच से छह यूनिट है हमारे पास, करेक्ट। अब आप इस पे आओ मॉडर्न फिजिक्स में। मॉडर्न फिजिक्स में हमारे पास तीन चैप्टर्स आते हैं, एक तो एटम, दूसरा न्यूक्लियाई, तीसरा ड्यूएल नेचर ऑफ लाइट, और तीसरा क्या है बच्चों, सेमीकंडक्टर। ये हमारे पास चार चैप्टर हैं। अब मॉडर्न फिजिक्स की खास बात क्या है कि सारी की सारी क्या है, थ्योरी है, पूरी की पूरी क्या है, थ्योरी। मतलब बहुत वेरी लेस फॉर्मूलाज आर देयर, कि दो तीन फॉर्मूले होंगे, उन्हीं फॉर्मूले से आपके न्यूमेरिकल्स आएंगे। यानी जहां थ्योरी होती है वहां क्या आते हैं, कॉन्सेप्ट। यानी वहां से कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, करेक्ट। तो ये यहाँ पे क्या होगा, टाइम बहुत लेस लगेगा। मॉडर्न फिजिक्स का क्या फायदा है, वेरी लेस टाइम कंज्यूमिंग, टाइम हमारा बहुत लो लगेगा। और यहाँ से क्या होगा बच्चों, तीन से चार क्वेश्चन हर साल आते हैं मॉडर्न फिजिक्स वाले यूनिट से, करेक्ट, पोर्शन से। अब आई ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स जो है पूरे मेंस से लेके एडवांस तक तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगी, ऑप्टिक्स जो है, ठीक है। और ऑप्टिक्स है बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग, और टाइम कंज्यूमिंग के साथ साथ इंपॉर्टेंट भी है। इसका मतलब ये नहीं है कि टाइम कंज्यूमिंग है तो यू गाइज लेफ्ट दिस पोर्शन, ऐसा मत करना, क्योंकि मेंस कर लोगे, एडवांस में ऑप्टिक्स भर भर के आती है, तो ऑप्टिक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब ऑप्टिक्स हमारे दो पार्ट्स में डिवाइड है, एक तो रे ऑप्टिक्स, दूसरी बच्चों कौन सी ऑप्टिक्स, वेव्स ऑप्टिक्स। तो इन दो पोर्शन पे हम टाइम कंज्यूम करेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन भी आते हैं, करेक्ट। तो इस तरीके से कुछ आपकी क्लास ट्वेल्थ का मोटा मोटा पोर्शन है, ठीक है। तो हम स्टार्ट करने वाले हैं आज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में देखो, अब यहाँ पे ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के जो इम्पोर्टेंट और नॉन इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, ये सब मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। यहाँ पे देखो, ये इम्पोर्टेंट टॉपिक्स कितने इम्पोर्टेंट टॉपिक है, कौन सा, लास्ट 5 ईयर का मैंने यहाँ पे डाटा दे दिया है, जिससे तुम्हें ये पता चले कि कौन सा टॉपिक इस यूनिट में इम्पोर्टेंट है तुम्हारे लिए, राइट। अब देखो, जैसे कि चार्ज पे बच्चों एक भी क्वेश्चन नहीं आया, तो मैंने क्या करा, मैं सीधे कहाँ पे आ गई, चार्ज तो नेगेटिव पॉजिटिव तुम्हें बेसिक पता होना चाहिए, जिसके बारे में मैं तुम्हें ओवरव्यू दे दूंगी। मेन यहाँ पे देखो कूलम्स लॉ, यानी 11 क्वेश्चन, यानी कूलम्स लॉ तुम देखो इलेक्ट्रिक फील्ड के बाद, जो इसका चैप्टर का नाम है, उसके सेकेंड इम्पोर्टेंट तुम्हारा कूलम्स लॉ है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे हम लोग टाइम इन्वेस्ट करेंगे, क्वेश्चन करेंगे। दूसरा देखो क्या इंपॉर्टेंट है, गॉस लॉ, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड के बाद गॉस लॉ और हमारा कूलम्स लॉ, यानी ये तीन टॉपिक हमारे लिए कैसे टॉपिक्स हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। इन तीन टॉपिक्स को हमें क्या करना है, जितने क्वेश्चंस हो सके उतने क्वेश्चंस हमें सॉल्व करने हैं। ये अब मैं एक आपको एडवाइस यहाँ पे ये देना चाहूंगी, जहां भी आप अपने नोट्स बनाए, जहां भी नोट्स बनाए, क्या करना, ये वाली जो मैंने तुम्हें फोटो दी है ना, ये फोटो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो सभी, और इसे क्या करो, जहां भी नोट्स बनाओ हर यूनिट का, अपने एक पेज पे इसका फोटोकॉपी निकलवा के पेस्ट कर लो, जहां पे आप अपने ऑफलाइन नोट्स बनाओगे नोटबुक में। उससे क्या होगा, जब भी तुम उस चैप्टर को पढ़ोगे तुम्हारे पास ये मटेरियल जरूर होना चाहिए। मैं जब दूसरी यूनिट कराऊंगी उसका ये स्निप लेके आऊंगी, आपको स्निप लेनी है, जब उसके नोट्स बनाने स्टार्ट करो पहले पेज पे ये लगा लो, एटलीस्ट तुम्हें ये पता रहे कि क्या करना है। सब बच्चे एग्री करेंगे, और ये काम कर लोगे तो बच्चों सही बता रही हूँ, बहुत बेनिफिट रहेगा तुम्हारे लिए, इससे आइडिया लग पाएगा तो, ठीक है। अब तीसरा, ठीक है, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ से पहले मैं बच्चों तुम लोगों से पूछना चाहती हूँ चार्ज के बारे में। देखो क्या क्या पढ़ेंगे आज, मैंने यहाँ लिखा हुआ है कि आज मेरे बच्चे यहाँ से क्या सीख के जाने वाले हैं। चार्ज सीख के जाओगे, कूलम्स लॉ और कूलम्स लॉ के न्यूमेरिकल। मुझे पता है तुम लोग 10th क्लास में पढ़ के आए हो, तो मुझे कोई भी एक स्टूडेंट अनम्यूट करके खुद से ये बताओ कि व्हाट इज चार्ज। मैम, हाँ जी मैम, इलेक्ट्रिक चार्ज बेसिकली इज अ बेसिक एंटिटी पोजेस्ड बाय एनी मैटर एंड ड्यू टू व्हिच इट बिकम्स कैपेबल ऑफ एक्सर्टिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ऑन अदर चार्ज मैटर पार्टिकल्स। ठीक है, वेरी गुड। और कोई, अच्छा ये बताओ चार्ज कितने टाइप्स के होते हैं। चार्ज के बारे में तुम मुझे पढ़ाओगी, कूलम्स लॉ मैं तुम्हें पढ़ाऊंगी, ठीक है। एक काम करते हैं, चार्ज
चार्ज के बारे में बच्चों मोटा मोटा बस एक बार थोड़ा सा पढ़ लेंगे मोटा मोटा, ठीक है। चार्ज देखो क्या, चार्ज तुम्हें पता है चार्ज दो तरीके के होते हैं, कौन से? एक पॉजिटिव चार्ज होगा, दूसरा हमारे पास नेगेटिव चार्ज। अब ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का मतलब क्या है, अगर कैरियर्स की बात करें तो नेगेटिव हमारे पास कौन सा चार्ज होगा? इलेक्ट्रॉन, ठीक है। लेकिन यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज के साथ कई बच्चे क्या कंफ्यूज हो जाते हैं कि पॉजिटिव चार्ज हमारा प्रोटोन होता है ना, ये बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। बट यहाँ पे हमारे पास चार्ज में प्रोटोन नहीं होगा, क्योंकि प्रोटोन क्या होता है, कभी भी आपकी रिएक्शंस में पार्टिसिपेट नहीं करता है। तो समझो पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज इज डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन का क्या मतलब है, देखो ये मान लो मेरे पास ये एटम है, इस एटम के पास दो इलेक्ट्रॉन्स है बच्चों, और ये न्यूक्लियस के अंदर दो प्रोटॉन है, क्योंकि आपको पता है एटम इज न्यूट्रल, सबको पता है। यस मैम, यस मैम, एटम तो न्यूट्रल होता है। तो ये इस पे चार्ज कैसे आएगा, तो चार्ज कैसे आएगा, अब ये दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इस दो इलेक्ट्रॉन्स में से मैं क्या करती हूँ, एक इलेक्ट्रॉन कहीं और भेज देती हूँ, ठीक है। अब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन बच गए भाई, एक, निकालो चार्ज इसका, सब निकालेंगे। प्रोटोन तो अभी भी दो है प्लस टू, लेकिन इलेक्ट्रॉन मेरे पास कितना बच गया, माइनस वन। तो यहाँ से देखो चार्ज कितना आ गया, पॉजिटिव वन। तो ये पॉजिटिव वन क्या है, दिस इज द पॉजिटिव चार्ज, और ये किसकी वजह से हुआ है, डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब यहाँ पे देखो नेगेटिव चार्ज से क्या मतलब है स्टूडेंट्स, व्हाट इज नेगेटिव चार्ज, देखो यही वाला एटम लो, मेरे पास दो मेरे पास ये न्यूक्लियस है, इसमें मेरे पास दो प्रोटोन है और दो इलेक्ट्रॉन है। अब मैंने क्या किया, कहीं से उठा के एक इलेक्ट्रॉन और रख दिया। अब मैं अगर इसका चार्ज निकालूं, सम ऑफ चार्जेस निकालूं, तो मेरे पास पॉजिटिव के तो दो प्रोटोन हो गए, बट इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, नेगेटिव के थ्री। तो यहाँ पे मेरे पास एक चार्ज ज्यादा है, यानी यहाँ पे मेरे पास क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज मोर, यानी एक्सेस में मेरे पास इलेक्ट्रॉन है, एक्सेस में इलेक्ट्रॉन होंगे तो आपके पास कौन सा चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज होगा, करेक्ट। यहाँ तक कोई इशू? नो मैम, नो मैम, ओके ओके। अब एक बात, अब ये हो गया चार्ज, ठीक है। अब आप मुझे ये बताओ कि चार्ज को हम लोग प्रोड्यूस कैसे कर सकते हैं, फटाफट फटाफट, हाउ कैन यू प्रोड्यूस द चार्ज, मतलब यही है ना कि इलेक्ट्रॉन निकालना है और इलेक्ट्रॉन को क्या करना है, ऐड करना है, केमिकल रिएक्शंस नहीं करनी है, ठीक है। फिजिक्स की टर्म्स में बात करेंगे, फिजिक्स टर्मिनोलॉजीज यूज करेंगे। तो चार्ज कैसे प्रोड्यूस कर सकते हो, तो पहला है आपका कौन सा, फ्रिक्शन, फटाफट फटाफट करेंगे चार्ज फ्रिक्शन से। फ्रिक्शन की वजह से क्या करोगे, मान लो आपके पास कोई भी एक सिल्क का कपड़ा है और एक कोई भी आपके पास एक रॉड है, जब आप उन दोनों चीजों को आपस में रब करोगे तो क्या होगा, चार्ज क्या हो जाएंगे, ट्रांसफर हो जाएंगे। फ्रिक्शन में क्या होगा, बाय रबिंग, है ना, कि कोई भी दो, आपने कोई भी दो ऑब्जेक्ट्स लिए और उनके बीच में आप क्या कर रहे हो, ऐसे रबिंग कर रहे हो, करेक्ट। तो रब कर रहे होंगे तो क्या देखोगे आप, रब करने के बाद क्या होगा, वहां पे क्या स्टोर हो जाएगा बच्चों, बाय रबिंग देयर विल देयर आर ट्रांसफर ऑफ चार्जेस, करेक्ट, ट्रांसफर ऑफ चार्ज होगा। अच्छा अब ये बताओ, जब चार्ज ट्रांसफर होगा तो कौन सा चार्ज पार्टिसिपेट करेगा, इलेक्ट्रॉन, वेरी गुड, वेरी गुड, हाँ। तो क्या होगा, बाय रबिंग देयर आर ट्रांसफर ऑफ चार्जेस इन बिटवीन द ऑब्जेक्ट, हमारे पास ये हो जाएगा, करेक्ट। अब दूसरा देखिए, By rubbing there are transfer of charges in between the objects. दूसरा मेथड देखो, दूसरा मेथड क्या हो सकता है, इंडक्शन। चलो इंडक्शन पढ़ लेते हैं, फिर कंडक्शन कर लेंगे। इंडक्शन में क्या होगा बच्चों, इंडक्शन में क्या होगा कि आपके पास यहाँ पे कोई एक मेटलिक की मान लो स्फेयर है, हमारे पास क्या है, मेटल का कोई भी स्फेयर है। अब इनिशियली क्या होगा, ये न्यूट्रल होगा, करेक्ट। अब मैंने क्या किया, कोई एक पॉजिटिव रॉड लेके आई, ये मतलब सारे इस पे कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है।
इस पे हर कहीं पे पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज लेके आई, अब इसके इसके पास लेके गई इसको, ठीक है, इसके पास लेके गई। जैसे मैं इसके पास लेके आऊंगी, इस बॉल के, इस स्फीयर के जो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन होंगे वो बच्चों इसके एक तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे, क्योंकि ये कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज विल अट्रैक्ट द नेगेटिव चार्जेस, ठीक है, ये इसको अट्रैक्ट कर लिया, यहाँ पे मेरे पास पॉजिटिव चार्ज एक तरफ आ गए। अच्छा, अभी तो बस क्या हुआ है, चार्जेस क्या हुए हैं, सेपरेट हुए हैं, यानी एक पोर्शन में नेगेटिव और एक पोर्शन में पॉजिटिव। अच्छा, अब क्या करें कि पूरे पे मुझे क्या मिल जाए, चार्ज मिल जाए। उसके लिए देखो क्या करो, ये जो स्फीयर है, ये जो स्फीयर है, हाँ वेरी गुड, इस स्फीयर को क्या कर देंगे हम बच्चों, देखो इस पे नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे ये पॉजिटिव चार्ज है। अब मैं इसको क्या कर दू, यहाँ पे ग्राउंड कर दू, ठीक है, यहाँ पे ग्राउंड कर दिया, तो यानी ये इलेक्ट्रॉन्स क्या है, अर्थ के पास तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है, उसे दिखेगा यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की क्या है, डेफिशिएंसी है, तो ये क्या कर देगी, यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स को फिल कर लेगी। तो बाद में क्या होगा कि यहाँ पे पूरी बॉल के पास क्या हो जाएगा, हमारे पास पूरी बॉल पे, स्फीयर पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो देखा यहाँ से क्या हुआ कि आपके पास पूरी बॉल पे नेगेटिव चार्ज आ गया, जो इनिशियली क्या था, जिसके पास कोई भी चार्ज नहीं था, ठीक है। तो इस तरीके से इंडक्शन, और इंडक्शन का सबसे बड़ा जो चीज याद रखनी है इसमें क्या है कि हम लोग टच नहीं करेंगे, ठीक है, इसमें क्या नहीं करेंगे, टच नहीं करेंगे, ये इसका सबसे बड़ा वो है जो आपको याद रखना है, इंडक्शन में देयर इज नो टच बिटवीन दीज टू सरफेसेस। तीसरा क्या है, कंडक्शन। कंडक्शन शिवा ठाकुर, आपने इतनी लेट क्लास क्यों ज्वाइन करी है, तीसरा देखो, तीसरा मेथड हम पढ़ेंगे कंडक्शन। अच्छा, कंडक्शन में बताओ क्या होगा। मैम, एक नेगेटिवली चार्ज लेट सपोज रॉड लेके आए और उसे हम किसी भी ऑब्जेक्ट से टच कर देंगे, तो नेगेटिव चार्जेस फ्रॉम दैट रॉड विल ट्रांसफर टू दैट ऑब्जेक्ट। हाँ, कंडक्शन में क्या होगा, कंडक्शन में हम दो सरफेसेस को टच करेंगे, ठीक है। मान लो मेरे पास ये क्या है, यहाँ पे ये एक मेटल की रॉड स्फीयर है, मेटल का, दिस इज मेटलिक स्फीयर, ठीक है। अब मैं यहाँ पे कौन सा चार्ज लेके आऊं, मान लो मैं यहाँ पे नेगेटिव, ये नेगेटिव चार्ज की एक रॉड लेके आई हूँ, ठीक है। अब मैंने इस स्फीयर से टच कर दिया, स्फीयर के पास क्या है, स्फीयर इज न्यूट्रल, तो इसमें क्या होंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर कर जाएंगे, ठीक है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे ट्रांसफर कर जाएंगे। जब इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्सेस में इलेक्ट्रॉन्स आ गए, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, फिर आपके पास नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। तो नेगेटिव चार्ज आ गया, तो ये भी अब क्या हो गया, दिस इज द चार्ज्ड स्फीयर। बस इंडक्शन में और इसमें यही फर्क है कि आप इसमें टच करेंगे और इसमें टच नहीं करेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, चार्ज बस इतना ही पढ़ना है, चार्ज, हाँ चार्ज की एक बार प्रॉपर्टीज देख लो, चार्ज की एक बार प्रॉपर्टीज देखो। चार्ज बच्चों क्या हो सकता है, चार्ज की एक सबसे बड़ी प्रॉपर्टी क्या है, चार्ज क्या कर सकते हैं हम, चार्ज को ट्रांसफर कर सकते हैं और डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते आप, चार्ज इज नेवर, चार्ज कैन नेवर बी डिस्ट्रॉयड। इसका मतलब क्या है कि चार्ज इज ऑलवेज कंजर्व, चार्ज क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा। कि आप जैसे एक बॉडी से दूसरे बॉडी में चार्जेस को ट्रांसफर कर रहे हैं, तो ट्रांसफर करते समय कहीं भी चार्ज ऐसा नहीं होगा कि चार्ज टूट गया, कहीं पे चार्ज ऐसा हो गया, वो कभी भी नहीं होगा, चार्ज हमेशा क्या रहेगा, चार्ज इज ऑलवेज कंजर्व्ड इन नेचर। तो तभी बोलते हैं चार्ज इज ट्रांसफरेबल, ट्रांसफर हो सकता है एक बॉडी से दूसरी बॉडी में, बट डिस्ट्रॉय नहीं हो सकता। उसी थ्योरी की बेसिस पे हमारे पास आया है चार्ज क्वांटाइजेशन, राइट, चार्ज क्वांटाइजेशन के बारे में पढ़ो, उसी थ्योरी पे क्या आया है हमारा, चार्ज क्वांटाइजेशन। वो क्या कहता है, चार्ज क्या है हमारे किसी भी बॉडी में, चार्ज इज क्वांटाइज, अभी एक सर एक चिराग ने वो भेजा हुआ है आपके पास एक लिंक है, तो जो हिमाचल वाले बच्चे हैं वो प्लीज यहाँ से अटेंडेंस फिल कर दीजिए। जी गुड इवनिंग मैम, मैं चिराग हिमाचल टीम से, सो
थैंक यू मैम, आपने ही बता दिया बच्चों को। तो बस एक छोटी सी अनाउंसमेंट है वही कि हिमाचल ग्रुप से जितने बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं अभी क्लास, वो प्लीज इस फॉर्म को फिल कर लेना एक बार, ये ठीक है, क्लास एंड होने से पहले। अभी रहने दो, अभी पढ़ाई करो, पर क्लास के एंड में फिर भर लेना, ठीक है। थैंक यू, थैंक यू मैम, थैंक यू, ओके। ठीक है, करें एक सेकंड, ये तो आगे चला गया। हाँ, तो चार्ज क्वांटाइज, इसका क्या मतलब है कि चार्ज क्वांटाइज्ड है, कि कोई भी बॉडी है। अच्छा, इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज की क्या वैल्यू होती है, आप लोगों ने छोटी क्लासेज में पढ़ा है कि चार्ज के ऊपर जो इलेक्ट्रॉन है उसकी वैल्यू होती है नेगेटिव -90। चार्ज की यूनिट होती है हमारे पास कूलम्ब, ठीक है, ये है हमारे पास चार्ज की वैल्यू, ओके। अब देखिए, अब ये क्या कहता है क्वांटाइजेशन, कि कोई भी बॉडी है, किस कोई भी आपके पास अगर एक बॉडी है, अगर आपको उस पर चार्ज का नंबर निकालना है कि इसके ऊपर कितने चार्ज हैं, तो आप कैसे निकालोगे, किसी भी बॉडी का कैपिटल क्यू, मान लो ये बॉडी है, इसके ऊपर कैपिटल क्यू चार्ज है, और यहाँ पे मैंने बोला कि इसके पास एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, मैंने बोला ये बॉडी है, इसके पास एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, तो आप इस बॉडी का चार्ज कैसे निकालोगे, देखो आपके पास जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं उसके मल्टीप्लाई कर दो, और उस एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज से उसको मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, उस बॉडी पे कितना चार्ज है वो उसकी वैल्यू आ जाएगी, जिसे हम क्या बोलते हैं, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, q इक्वल्स टू प्लस माइनस एन ई, वेयर एन इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ही होगा, या तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाएंगे या इलेक्ट्रॉन एंटर कर जाएंगे, वो आपको देखना है। ये क्या है, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है बच्चों, ये है आपका चार्ज क्वांटाइजेशन। तो चार्ज में मैं इतना ही डिस्कस करूंगी, बाकी मैं आपको अवंती के मॉड्यूल सेंड कर दूंगी, ठीक है, उन मॉड्यूल्स से एक बार गो थ्रू हो लेना, उसमें आपको नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत सारे मिल जाएंगे, मॉड्यूल के लास्ट में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, वो क्वेश्चंस आप धीरे धीरे करके सॉल्व कर लेना, जैसे मैंने आज चार्ज पढ़ा दिया, मतलब कूलम्ब्स लॉ करा दिया, मैं डीप वो भेज दूंगी आपको मॉड्यूल, उसके लास्ट में जो भी कूलम्ब्स लॉ के जो भी क्वेश्चंस होंगे, चार्ज के क्वेश्चन होंगे, वो सॉल्व कर लेना, ठीक है। अब हम आ जाते हैं अपने कूलम्ब्स लॉ पे, करेक्ट? यस मैम, यस मैम, ये तो हो गया एकदम बेसिक, अब चार्ज, अब पढ़ो कूलम्ब्स लॉ। तो ये वाला कलर दिख रहा है? यस मैम, यस मैम, यस मैम, यस मैम, ओके। तो कूलम्ब्स लॉ पढ़ते हैं, देखो कूलम्ब्स लॉ ने क्या बोला, पहले ये बोलो कूलम्ब्स लॉ क्या कहता है, ये इसने क्या दिया, इसने कौन सा लॉ दिया, इसने क्या किया कि देखो कोई भी स्पेस में कोई भी दो चार्जेस रखे हुए हैं, ठीक है, दो स्पेस में कोई भी दो चार्जेस है, मान लो प्लस का ये भी चार्ज क्यू वन, ये भी एक चार्ज प्लस का क्यू टू, ये दोनों चार्जेस स्पेस में रखे हुए हैं, ठीक है। कूलम्ब्स लॉ ने बोला कि ठीक है, ये दोनों प्लस के चार्जेस हैं, एक दूसरे पे रिपल्सिव फोर्स लगाएंगे, करेक्ट, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, तो एक दूसरे पे कैसा फोर्स लगाएंगे, रिपल्सिव, यानी ये वाला चार्ज क्यू टू चार्ज इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा इस डायरेक्शन में, इसको मैंने फोर्स एफ नाम दे दिया। इनके बीच की डिस्टेंस मान लो आर है, क्यू वन वाला चार्ज भी इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा, तो रिपेल में ये भी किस तरफ फोर्स लगाएगा, इस वाले चार्ज पे इधर की तरफ, इसको भी क्या नाम दे दो, एक्स नाम दे दो, ठीक है, रिपल्सिव फोर्स लगा रहे हैं। अच्छा, अगर मैं क्या करूं, इन दोनों चार्जेस को क्लोज लेके आऊं, सपोज करो, मानो अब मैं इन दोनों चार्जेस को बच्चों क्लोज लेके आ रही हूँ, करेक्ट, क्लोज लेके आऊंगी, तो इन पे जो रिपल्सिव फोर्स होगी उसका मैग्नीट्यूड बढ़ जाएगा या घट जाएगा,
मैम बढ़ जाएगा, मैम बढ़ जाएगा, बढ़ जाएगा, वो एक दूसरे को ज्यादा रिपेल करेंगे, है ना। तो बस इसने क्या बोला कि जो दो स्पेस में जो दो आपके पास कोई भी चार्जेस हैं, वो चार्जेस एक दूसरे पे जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन लगा रहे हैं वो किस पे डिपेंड करेंगे, देखो वो डिपेंड करेंगे, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू वन, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू टू। यानी अगर चार्जेस का मैग्नीट्यूड और बढ़ा दूं, अब समझो ये क्या है, चार्जेस का मैग्नीट्यूड क्या कर दिया, बढ़ा दिया, ठीक है, चार्जेस का मैग्नीट्यूड बढ़ा दिया और वो आर डिस्टेंस पे ही रखे हुए हैं। अच्छा, अब यहाँ पे मान लो मैंने ये क्यू वन कितना कर दिया, 5 क्यू कर दिया, ये भी मैंने कितना कर दिया, 5 क्यू टू, डिस्टेंस मैंने बच्चों क्या रखी, सेम रखी, क्या अब इनके बीच में जो रिपल्सिव फोर्स होगी वो बढ़ जाएगी? यस मैम। फिर अब क्या हो गया, फिर इनके बीच में चार्जेस का मैग्नीट्यूड ज्यादा है, अब ये क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल ज्यादा करेंगे। तो इसलिए क्या बोला कि मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन दीज टू चार्जेस, ठीक है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो इसको मैंने क्या लिखा, एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू वन के भी है और क्यू टू के भी है, करेक्ट, ये यहाँ से इक्वेशन वन। अब बात करो डिस्टेंस के लिए, अभी डिस्टेंस का बताया आप लोगों ने कि दूर कर दोगे तो क्या हो जाएगा, पास ले आओगे तो इंटरेक्शन बढ़ जाएगी, दूर कर दोगे तो फोर्स कम हो जाएगा। तो यानी फोर्स क्या फॉलो कर रहा है, इनवर्स स्क्वायर लॉ फॉलो कर रहा है। तो ये इक्वेशन टू, जब आप इन दोनों इक्वेशंस को कंबाइन करके लिखोगे तो फोर्स की वैल्यू कुछ ये आएगी। तो ये क्या कह रहा है, ये इसकी डेफिनेशन अगर लिखना चाहो तो लिखो, फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन two charges, force of interaction between two charges are directly proportional to the product of charges, ठीक है, to the product of charges and inversely proportional to the, किसके बताओ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके होगा, डिस्टेंस टू द स्क्वायर बिटवीन देम, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। अब ये ध्यान से देखो, ध्यान से, अभी मैं तुमसे पूछूंगी नहीं, बस ये जो डेफिनेशन मैंने लिखी है ना, इसको दो बार पढ़ लो ध्यान से और अपने माइंड में एक चीज रख लो, मैं टाइम पे एक क्वेश्चन पूछूंगी फिर देखते हैं कि कितना किसने कितना विजुअलाइज किया, ठीक है, ये डेफिनेशन पढ़ लो आराम से, यहाँ पे लिख दो इन अ स्पेस, है ना, इन अ स्पेस, किसी भी स्पेस में, इतना इतना समझ में आ गया, ठीक है। अब आगे देखो, यहाँ पे है प्रोपोर्शनलिटी साइन, अब इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को रिमूव करने के लिए हम जरूर एक कॉन्स्टेंट लगाते हैं, तो यहाँ पे मैंने ये रिमूव किया तो मैंने एक कांस्टेंट लगा दिया के, जिसे बोलेंगे कुलाम्बिक कांस्टेंट, क्यू वन क्यू टू बाय आर स्केल। अब इस के की वैल्यू जब फाइंड, ये फॉर्मूला नोट कर लो, अभी ये बस फॉर्मूला, अभी कुलाम्स लॉ जस्ट स्टार्ट किया है, समझने के लिए बहुत कुछ है यहाँ पे। अब देखो आगे बढ़ो, आपने ये फॉर्मूला लिख लिया के क्यू वन क्यू टू बाय आर स्केल। अब जो के है बच्चों, वो के किसके बराबर है, देखो अभी ये समझो, मैंने जो ये चार्ज रखे हैं, मैंने ये कहाँ पे रखे हैं, ये चार्ज रखे हुए मैंने मान लिया कि वैक्यूम में रखे हुए हैं, ठीक है, वैक्यूम में मैंने ये चार्ज रखे हुए हैं, सपोज करो। अच्छा, तो वैक्यूम के लिए जो बच्चों के की वैल्यू आई है वो कितनी आई थी, 1/4 pi epsilon naught, करेक्ट, इसको मान लो एफ नॉट। अब ये एप्साइल नॉट क्या है, यहाँ पे क्वेश्चन आ गया, चलो के की वैल्यू तो मैम आपने ये बता दी कि ये वैल्यू इतनी है 1/4 pi epsilon naught, ये मत पूछना कि मैम क्यों आई है, ये एक्सपेरिमेंटल है, ठीक है। आपको जो समझना है वो ये है कि यहाँ पे जो ये एप्साइल नॉट जो टर्म है, ये टर्म क्या है, ठीक है, एप्साइल नॉट क्या है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस यानी वैक्यूम, है ना, मैंने ये चार्जेस कहाँ रखे हुए हैं, वैक्यूम में, मतलब अभी भी जहाँ ये दो चार्ज रखे हुए हैं वहां बीच में कोई मीडियम नहीं है, ये दो चार्ज रखे हैं बीच में कोई मीडियम नहीं है, तो यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। अब क्वेश्चन आएगा मैम परमिटिविटी क्या है,
परमिटिविटी ये है कि किसी भी स्पेस में कितना इलेक्ट्रिक फील्ड क्रॉस कर पा रहा है ना। परमिटिविटी का क्या मतलब है? परमिट करना किसको? इलेक्ट्रिक फील्ड को। ठीक है, किसी भी स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना परमिट हो पा रहा है, कितना उस स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड क्रॉस कर पा रहा है, उसे बोलते हैं हम परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ठीक है भाई, स्पेस की परमिटिविटी एप्साइल नॉट कितनी आई? वो है हमारी 8.85 × 10 to power -12। अब आप यहां से निकाल सकते हो, देखो कैसे, यहां पे अब एफ नॉट की वैल्यू रखो, एफ नॉट इक्वल्स टू 1/4πε0Q1Q2/r². अब मुझे एप्साइल नॉट की वैल्यू बताओ बच्चों, वो यूनिट बताओ। फोर्स की क्या हो गई? न्यूटन। ये यहाँ पे चला गया मीटर स्क्वायर बाय कूलम्ब स्क्वायर इक्वल्स टू 1/4πε0। ठीक है, 4π इज द कांस्टेंट यूनिट, इसकी तो कोई ऐसा यूनिट होगी नहीं, तो यहाँ से एप्साइल नॉट किसके बराबर आ गया? कूलम्ब स्क्वायर बाय न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो ये आपकी यूनिट है किसकी? परमिटिविटी की। ये आपको यहाँ से याद रखनी है बच्चों, इसको स्टार मार्क कर लो। यस मैम। अच्छा अब देखो, अब आप के की जो के की वैल्यू है वो फाइंड करनी है। ठीक है, जो के है इसमें एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू रखोगे, देखो के इक्वल्स टू 1/4πε0। इसमें अब क्या करो, इसकी वैल्यू रख दो। तो यहाँ से के का जो वैल्यू आया फ्री स्पेस के लिए, ये याद रखो, मैं बार बार टर्म यूज कर रही हूँ, फ्री स्पेस। ठीक है, वो कितना आया जब आप इसकी वैल्यू रख दोगे? वो आएगी 9 × 10 to power 9। ठीक है, ये के की वैल्यू आ गई, बट ये है फ्री स्पेस के लिए। अब मैंने अभी तक फ्री स्पेस पढ़ाया, ठीक है, ये सब जो मैंने अभी डिस्कस किया है ये फ्री स्पेस के लिए है। अभी दो चार्जेस मेरे चुपचाप वैक्यूम में रखे हुए थे, ये समझो। इतना समझ में आ गया? यहाँ पे मुझे नहीं लगता और कुछ है समझाने के लिए। ये है एफ नॉट की वैल्यू, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, के क्यू वन क्यू टू बाय आर स्क्वायर फॉर फ्री स्पेस। एप्साइल नॉट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। अच्छा जी, अब मानो, अब मैं बात करती हूँ चार्जेस जब आपने कहाँ रख दिए, इन अ मीडियम। अब देखो फ्री स्पेस हो गया, चार्जेस प्लेस्ड इन अ मीडियम। अब मैंने मीडियम में क्या रखा? चार्जेस रख दिए। ठीक है बच्चों? यस मैम। यानी मेरा यहाँ पे कोई एक चार्ज है दिस क्यू वन, यहाँ पे एक चार्ज है क्यू टू। अभी समझो, अभी क्या करते हैं, मैंने यहाँ पे एक मीडियम रख दिया। अभी तो पहले कहाँ था? फ्री स्पेस में, यानी वैक्यूम में थे। मैंने यहाँ पे एक मेटलिक की बॉल रख दी, ठीक है, मेटल की बॉल रख दी। और जो जिन बच्चों ने कल भी क्लास ली थी जब तुम्हारे परमिटिविटी पे और फोर्स के बहुत क्वेश्चंस थे, तो वो आज समझ लो, आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब देखो, ये तो पॉजिटिव चार्ज है और ये भी पॉजिटिव चार्ज है, एक दूसरे को क्या कर रहे होंगे बच्चों? अभी हमने देखा है रिपेल कर रहे होंगे, डिस्टेंस आर पे रखे हुए। ये क्यू टू इसको रिपेल करेगा एफ वन फोर्स से, ये क्यू वन भी इसको रिपेल करेगा एफ टू वन फोर्स, चलो एफ टू मान लो। पर हमेशा ये याद रखना, अगर मैग्नीट्यूड इन चार्जेस का सेम है तो चलो वो बात की बात है। अभी समझो, ये एफ वन फोर्स से रिपेल कर रहा है, ये एफ टू फोर्स से। तब यहाँ भी देखो, यहाँ पे भी यही करो, एफ वन फोर्स मानो, यहाँ पे भी एफ टू फोर्स मानो। ये कब है बच्चों? जब किस में रखे हैं? फ्री स्पेस। सिमिलरली मैंने यहाँ क्या करा, ये दो चार्जेस एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? एफ वन फोर्स से यहाँ पे रिपेल कर रहे हैं और यहाँ पे भी एफ टू फोर्स से रिपेल कर रहे हैं। अच्छा जी, ये क्यू वन चार्ज है पॉजिटिव, ये क्यू वन चार्ज है पॉजिटिव। ठीक है, इस पॉजिटिव चार्जेस की वजह से बच्चों ये क्या होगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा मानो। ठीक है, इंड्यूस हुआ, यानी जो बॉल है, जो मीडियम है, वहां पे क्या होगा? इंड्यूस्ड चार्ज क्रिएट हो गए। मतलब मानने का मतलब है, अगर आपने मीडियम रख दिया तो मीडियम के जो चार्जेस है वहां पे चार्ज क्या हो जाएंगे? इंड्यूस हो जाएंगे। अच्छा, चार्ज इंड्यूस हुए तो ये पॉजिटिव चार्ज को क्या करेगा? अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, मान लो किस फोर्स से? एफ एम फोर्स से। ठीक है, अच्छा जी, ये भी पॉजिटिव चार्ज है हमारे पास, ये पॉजिटिव चार्ज भी क्या करेगा यहाँ पे? इसको, ये नेगेटिव चार्ज है तो ये क्या करेगा? पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा, तो ये भी किस फोर्स से करेगा बच्चों? एफ एम फोर्स से। ठीक है,
ओके ये हो गया। अब एक चीज देखो, क्या जो ये Q1 वाले फोर्स हैं, जो Q1 वाला फोर्स है, इस मेटलिक मीडियम पे क्या फर्क पड़ेगा बताओ? मैम R सेम है या थोड़ा डिफरेंट है? R सेम है। अब मतलब ये मीडियम रख दिया मैंने, तुम्हें डायग्राम भी दिखा दिया कि ऐसे फोर्स बनाएगा। अब यहाँ पे मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि जो मैंने तुम्हें क्या बताया था, फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन, क्या ये जो चार्जेस हैं जो आपस में जो फोर्स लगाएंगे है ना, एक दूसरे को, एक दूसरे के ऊपर जो ये F1 F2 फोर्स लग रही है, क्या इस फोर्स की वैल्यू में मीडियम में रखने पे कोई फर्क आएगा? नो मैम। बताओ, जो चार्जेस हैं Q1 Q2? नो मैम, नहीं आएगा। ठीक है, तो देखो बच्चों, यहाँ पे बहुत एक कॉन्सेप्टुअल एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे एक अराइज होता है जहाँ पे कई बार डाउट आता है स्टूडेंट्स को। तो देखो यहाँ क्या होगा, जो Q1 और Q2 है एक दूसरे पे तो अभी भी उतनी ही फोर्स लगाएंगे F1 और F2, राइट? Q1 उस पे कितनी फोर्स लगा सकता है? F2 फोर्स लगा सकता है। Q2 इस पे कितनी फोर्स लगा सकता है? F1 फोर्स लगा सकता है। यानी जो Q1 Q2 पे फोर्स लगाएगा वो अभी भी मीडियम में क्या रहने वाली है? सेम रहने वाली है। बट बच्चों क्या होगा, जो नेट फोर्स है ऑन चार्ज Q1 है ना, पहले नेट फोर्स देखो कितनी थी, पहले नेट फोर्स कितनी थी चार्ज Q1 पे? F1 थी जब वैक्यूम में था। अब अगर नेट फोर्स की बात करो तो बच्चों देखो F1 तो ये फोर्स हो गई और एक फोर्स हो गई F1 Fm जो कि इंड्यूस्ड चार्जेस की वजह से आया है। तो क्या होगा, नेट फोर्स ऑन चार्जेस डिक्रीज, ठीक है? कौन सी फोर्स डिक्रीज होगी बच्चों? नेट फोर्स डिक्रीज होगी, विल डिक्रीज व्हेन टू चार्जेस आर प्लेस्ड इन मीडियम, ठीक है? यानी मीडियम में रखने पे जो हमारे पास नेट फोर्स है चार्जेस की वो क्या हो गई? रिड्यूस हो गई। अभी न्यूमेरिकली मत जाओ कि हाफ होगा या कितना होगा, मैंने अभी कुछ नहीं बताया, अभी मेरा बस मानना है कि रिड्यूस हुई है, ठीक है? कितनी रिड्यूस हुई है वो जब न्यूमेरिकल्स आएंगे तब सॉल्व करेंगे, फॉर्मूला भी बताऊंगी। अभी हाफ वगैरह भी मत जाओ, कॉन्सेप्ट समझो, कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है? तो नेट फोर्स ऑन चार्ज यानी चार्ज Q1 की नेट फोर्स डिक्रीज हो गई एफ एम, क्योंकि यहाँ पे चार्जेस पे अब दो दो फोर्सेस लग रही है। कौन कौन सी फोर्स? बिकॉज ऑफ इंड्यूस्ड, किसकी वजह से हुआ? बिकॉज ऑफ इंड्यूस्ड चार्जेस। ये पॉइंट वन। दूसरा पॉइंट ये है, बट द फोर्स ऑफ इंटरेक्शन, जो ये चार्जेस एक दूसरे पे अभी भी फोर्स लगा रहे हैं वो क्या रहने वाली है बच्चों? सेम रहने वाली, यानी बट द कौन सी फोर्स? कूलम्बिक फोर्स बिटवीन दीज टू चार्जेस विल रिमेन सेम। F1 और F2 की वैल्यू तो चेंज नहीं हुई है ना, F1 और F2 तो अभी भी उतने ही हैं, यानी Q1 उस पे उतना ही फोर्स लगाएगा, Q2 भी उतना ही फोर्स लगाएगा, बट नेट फोर्स रिड्यूस होगी। कितने अमाउंट से होगी अब वो देख लेते हैं एक बार मैथमेटिकली, कॉन्सेप्ट मैम। हाँ जी मैम, ये जो मैटेरिक बॉल है, ये जो Q1 और Q2 को है, ये डिफरेंट मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स से अट्रैक्ट करेगा या सेम से ही करेगा? ये सेम मैग्नीट्यूड से करेंगे अगर सेम डिस्टेंस पे हैं तो। ये Q2 और ये Q1 अगर इस मेटलिक बॉल से सेम डिस्टेंस पे है तो सेम फोर्स से ही करेंगे। पर मैम दोनों का मैग्नीट्यूड तो अलग है ना, Q1 और Q2। अगर Q1 Q2 का मैग्नीट्यूड देखो, इंड्यूस्ड चार्ज के लिए हमारे पास अभी कोई फॉर्मूला ऐसा तो है नहीं कि आप लोगों को ये कैलकुलेट करना है। अब इसमें जब फोर्स आप निकालोगे तो फोर्स कैसे निकालोगे? डिस्टेंस पे डिपेंड करेगा और किस पे डिपेंड करेगा? Q पे डिपेंड करेगा, करेक्ट? और इसके मीडियम पे डिपेंड करेगा, वो अभी हम लोग देखेंगे कैसे करेगा। देखो अब आ जाओ न्यूमेरिकली कैसे सॉल्व करोगे। अब यहाँ पे देखो फोर्स का आप लोगों ने ये फॉर्मूला निकाला है, यहाँ पे F इक्वल्स टू के क्यू वन क्यू टू बाय आर स्क्वायर, परमिटिविटी उसके लिए, फ्री स्पेस के लिए, करेक्ट? वैल्यू ये आई,
जब आप मीडियम में रख दोगे तो आप निकालो फोर्स बिटवीन दीज टू चार्जेस जब आपने मीडियम में रख दिए, ठीक है। अब देखो कितना आएगा, कितना आएगा, Q1 Q2 तो एज इट इज रहेंगे और ये क्या रहने वाला है, डिस्टेंस भी मैंने क्या बोला सेम रहने वाला है। अब जो ये एप्साइल नॉट है बच्चों, जो किसके लिए था, फ्री स्पेस के लिए, अब मुझे किसके लिए लगाना पड़ेगा, मीडियम के लिए। क्या लिखोगे, 4 पाई एप्साइल नॉट एम, ठीक है, ये आया, ये मीडियम के लिए है, ठीक है। अब देखो हमारे पास एप्साइल नॉट मीडियम का फॉर्मूला होता है क्या, एप्साइल नॉट आर, आर क्या है, रिलेटिव परमिटिविटी। यस मैम। तो ये फॉर्मूले हैं, ये अपनी कॉपी में यही चीजें हैं जो याद करने की है। तो यहाँ से देखो रिलेटिव परमिटिविटी किसके बराबर आई, ई एम बाय ई नॉट। ये क्या बता रहा है बच्चों, ये मुझे ये बता रहा है कि एक मीडियम की परमिटिविटी रिलेटिव टू एयर कितनी है, ठीक है, रिलेटिव टू फ्री स्पेस कितनी है, ठीक है, ये मुझे बता रहा है रिलेटिव परमिटिविटी। तो यहाँ पे देखो अब एफ एम में वैल्यू रखो, 1/4 pi एप्सिलॉन नॉट आर, मैंने ये वाली वैल्यू रख दी, और एप्सिलॉन नॉट ये आया क्यू वन क्यू टू बाय आर स्क्वायर। अब ये देखो जो बाकी की टर्म है वो एफ नॉट के बराबर है, तो यहाँ पे जो मीडियम वाला आया वो कितना आया, एफ नॉट बाय एप्सिलॉन नॉट आर। यानी जब मीडियम में आपने क्या रखा, चार्जेस को रखा, तो आपकी फोर्स रिड्यूस हो गई कितने से, एप्सिलॉन नॉट आर। एप्सिलॉन नॉट क्या है, रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम, यानी उस मीडियम की जितनी परमिटिविटी है उतने ही अमाउंट से आपकी वो फोर्स क्या हो गई, डिक्रीज हो गई, ठीक है। यानी जब भी आप मीडियम में अगर वो चार्जेस रखोगे, इंड्यूस्ड चार्जेस क्रिएट होंगे तो क्या होगा, जो इनके बीच में नेट फोर्स होगी वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। तो एफ एम जो ये फोर्स निकल के आई है, ये कौन सी फोर्स है हमारे पास, नेट फोर्स। तो ये आपके पास एक्चुअल फॉर्मूले से भी ये चीज हमने प्रूव कर दी। अच्छा अब यहाँ पे देखो एप्सिलॉन नॉट आर को और क्या बोलते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी बोलते हैं। यस मैम। अगर पेपर में रिलेटिव परमिटिविटी की जगह डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हो तो कंफ्यूज मत हो जाना, ठीक है, सॉल्व कर देना डायरेक्ट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू रख देना और इतना चार्ज आपके पास वो वैल्यू आ जाएगी। अच्छा बच्चों देखा कि जब आप लोगों ने ये नेट फोर्स निकाली तो देखो जो ये इस फोर्स में आपके जितने भी इंड्यूस चार्जेस हैं वो सब इंक्लूडेड हैं, करेक्ट। जो ये वैल्यू आई है एफ एम इक्वल्स टू एफ नॉट बाय एप्सिलॉन नॉट आर, इसमें जो भी ये चार्जेस इंड्यूस्ड हुए हैं वो सब इस ये लॉ ऐसा है कि जितने भी ये इंड्यूस चार्जेस होंगे वो सब इंक्लूडेड होंगे इसमें, और इसी फॉर्मूले से क्या होगा, आपकी मीडियम की जो फोर्स है नेट फोर्स चार्जेस पे वो निकल के आएगी, ठीक है। ये फॉर्मूला है, इसको याद कर लो। और अब न्यूमेरिकल करते हैं, ये न्यूमेरिकल है पहला, इसको सॉल्व करो। पानी की बोतल दे दो। आंसर बताओ भाई कितना आ रहा है, दो चार्जेस हैं और एग्जर्ट अ फोर्स एफ ऑन ईच अदर
इफ द डिस्टेंस बिटवीन टू फोर्सेस इज रिड्यूस्ड टू हाफ फोर्स, कितना है क्यू वन क्यू टू बाय आर स्क्वायर, ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन देम इज रिड्यूस्ड टू हाफ एंड द चार्ज इज ऑन इज डबल, तो यानी हर चार्ज डबल हो गया, हमने क्या किया इसको रिड्यूस कर दिया सेकेंड टाइम से, तो देखो कितना हो गया, ये हो गया 4k q1 q2 by r square by 4, तो यानी 16 times of f, ठीक है, f dash क्या आया 16 times of f, तो 16 times क्या हो गया, बढ़ गया मैम, k की वैल्यू भी पुट कर सकते हैं 9 into 10 की वैल्यू, अगर गिवन नहीं, अभी तो बस हमें क्या निकालना है, मैंने तो बस रिलेशन निकाला है, अब f में यहाँ की वैल्यू निकाल लोगे, क्योंकि देखो q1 और q2 में दिया हुआ है, मैग्नीट्यूड है ही नहीं तो फिर क्यों ही निकालोगे, मैग्नीट्यूड में आंसर होता तो आप निकाल भी देते, ठीक है ठीक है। अब देखो ये वाला क्वेश्चन करो, देखो बच्चों यहाँ पे पार्टिकल क्या कर रहा है, सर्कुलर पाथ में घूमेगा, सर्कुलर में घूमता है तो हमारे पास एक फोर्स आती है सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स, तो यहाँ पे हमारा FE, ठीक है, FE किसके बराबर होने वाला है, FC के, ठीक है, द पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन, टाइम पीरियड कितना होता है, T इक्वल्स टू 2 पाई बाय 2 ओमेगा, यस मैम, ये होगा ना, ओमेगा कितना होता है 2 पाई न्यू होता है, न्यू को क्या लिख सकते हो ये, तो आपका टाइम पीरियड की वैल्यू कितनी होगी 2 पाई बाय ओमेगा, ठीक है। अब देखो यानी दो पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं q1 q2, रेडियस r है r स्क्वायर, ठीक है, बीच का डिस्टेंस कितना हो गया उनके बीच में r, अच्छा सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होती है mv स्क्वायर बाय mv स्क्वायर, बट मुझे क्या चाहिए टाइम पीरियड, तो टाइम पीरियड के लिए मुझे किसमें लिखनी पड़ेगी ये वाली वैल्यू, ओमेगा में, तो ओमेगा की टर्म्स में बताओ कितना होता है सेंट्रीपिटल फोर्स, इक्वल टू आर एम ओमेगा स्क्वायर आर, मैम वेरी गुड, एम ओमेगा स्क्वायर आर, जिनको नहीं पता वो देखो वी की वैल्यू क्या होती है आर ओमेगा, ठीक है, ओमेगा की वैल्यू अब क्या हो जाएगी, देखो अब मुझे क्या लिखना है वी बाय आर कितना हो गया ओमेगा, v by r is omega, और एक बार और ऊपर मल्टीप्लाई कर लो r से, जैसे यहाँ पे r से एक बार यहाँ डिवाइड एक बार यहाँ पे, ठीक है, तो ये v square by r square क्या हो जाएगा omega square, तो ये omega square और ये हो गया r, ठीक है, ये हो गया omega square, अच्छा omega की वैल्यू निकाल लो अब यहाँ से कितनी आई, k q1 q2 m r q equals to omega square, ठीक है, k की वैल्यू ये हो गई ओमेगा स्क्वायर, अच्छा आप बताओ आप क्या करें, ओमेगा की वैल्यू आ गई, अब टाइम पीरियड में वैल्यू रख दो, टाइम पीरियड इक्वल्स टू 2 पाई ओमेगा, ओमेगा यानी ये रूट में आएगा, ठीक है, k q1 q2, ठीक है, बाय कितना आ गया अपॉन m r क्यूब, ये आ गया, अब इसको अगर मैं ऐसे लिखना चाहूँ तो टाइम पीरियड को कैसे लिख दूँ, टाइम पीरियड इक्वल्स टू 2 पाई एम आर क्यूब बाय के क्यू वन क्यू टू, यहाँ तक कोई इशू नहीं, अब इस 2 पाई को अंदर लेके आओ, 2 पाई को अंदर लाओगे तो किसमें आएगा 4 पाई स्क्वायर में, राइट, 4 पाई स्क्वायर, अच्छा यहाँ पे देखो के की वैल्यू क्या होती है 1 बाय 4 पाई एप्साइलन नॉट, तो ये भी ऊपर जाएगा 4 पाई एप्साइलन नॉट, यहाँ क्या रहेगा Q1 Q2 और यानी MRQ as it is, अब बताओ कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, first मैम first ऑप्शन इज मैचिंग, तो यू कैन इजीली कर, हाँ तो यू कैन इजीली करेक्ट कि फर्स्ट इज द करेक्ट ऑप्शन, अब ये वाला इस वाले क्वेश्चन के लिए आपको क्या आना चाहिए, कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, ठीक है, अब क्या पढ़ो कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म पढ़ो, अभी तो नॉर्मल देखा अब वेक्टर फॉर्म में देखेंगे, देखो
अब पढ़ो कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। वेक्टर फॉर्म में देखो क्या है, यानी अब मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शंस का भी ध्यान रखना है ना। कूलम्स लॉ वेक्टर फॉर्म, देखो कैसे, वही है। यहाँ पे एक चार्ज मानो Q1, यहाँ पे एक चार्ज मानो Q2, इनके बीच में डिस्टेंस बच्चों माना मैंने कितना है R, ठीक है। अब देखो Q1 क्या करेगा, Q2 को रिपेल करेगा फोर्स F से। Q2 क्या करेगा, Q1 को रिपेल करेगा किसी फोर्स F से। अब मैंने यहाँ पे क्या करा, देखो जब Q1 Q2 को रिपेल कर रहा है तो यानी Q2 पे फोर्स लग रही है, राइट। Q1 इज रिपेलिंग Q2, तो यानी फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन, ये इसकी टर्मिनोलॉजी, ये मेथड है लिखने का। नंबरिंग याद रखो कि सेकंड चार्ज पे फोर्स लग रही है तो पहले लिखो सेकंड चार्ज पे फोर्स लगी, यानी फोर्स ऑन सेकंड, यहाँ पे देखो फोर्स ऑन सेकंड ड्यू टू वन। अब ऐसे ही देखो फोर्स ऑन वन चार्ज ड्यू टू चार्ज सेकंड, तो ये हो गया बच्चों एफ वन टू। ये हो गया कि हम इस तरीके से इनको क्या करने वाले हैं, डिनोट करने वाले हैं, करेक्ट। इन दोनों के बीच में मैंने रेडियस दी हुई है आर, ठीक है, आर मीटर्स। अच्छा अगर अब मुझे क्या करना है, अब एफ वन टू और एफ टू वन की वैल्यूज कैलकुलेट करनी है। अब देखो कैसे, अगर मैं एफ टू वन की बात करूं, इसको पहले लिखो, इसका मतलब क्या है, फोर्स ऑन सेकेंड। बच्चों नोट्स बनाते रहना, मैं ये पीपीटीज भी अवेलेबल करा दूंगी, कोई दिक्कत नहीं। फोर्स ऑन सेकेंड चार्ज ड्यू टू Q1 फर्स्ट चार्ज, हाँ F12 का मतलब फोर्स ऑन चार्ज, फर्स्ट चार्ज यहाँ पे मैं Q1 की बात कर रही हूँ, Q2, ठीक है, इतना आ गया। अब मैं F21 कैलकुलेट करना चाहती हूँ वेक्टर फॉर्म में, तो वेक्टर लगाओ F21। अच्छा K as it is, Q1 और Q2 as it is। अब R, R भी क्या है, वेक्टर है, तो R वेक्टर है बच्चों। अब मुझे इसका मतलब, मुझे R पोजीशन वेक्टर है, पोजीशन वेक्टर में अब मुझे क्या देखनी पड़ेगी, इसका डायरेक्शन देखना पड़ेगा। अब देखो फोर्स ऑन सेकंड ड्यू टू वन, यानी फर्स्ट क्या कर रहा है, इसकी तरफ क्या ऐसे डायरेक्शन है, देखो फोर्स की डायरेक्शन क्या है ये, राइट। इसका मतलब, इसका मतलब यहाँ देखो फोर्स की डायरेक्शन है यही, मैं यहीं पे लिख रही हूँ Q1 और Q2, यानी फोर्स है R से लेके 1 2 तक। यस मैम। R डायरेक्शन क्या हो गई, ये वाली डायरेक्शन हो गई। पोजीशन वेक्टर की डायरेक्शन की बात करूं तो क्या हो गई, मानो आप जब यहां से यहां जा रहे हो तो यानी फर्स्ट वाला, फर्स्ट से लेके सेकंड तक जा रहे हो फाइनली। अच्छा अब वापस आओ, जब Q1 की बात करोगे तो देखो क्या है, फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2, यानी अब Q2 इधर फोर्स लगा रहा है, तो पोजीशन वेक्टर बच्चों आप लोगे ये किसके केस में, F12 की केस में, F21 के केस में ये वाला पोजीशन वेक्टर लोगे, ठीक है। तो डायरेक्शंस देखी, तो डायरेक्शंस क्या है बच्चों, अपोजिट हैं। तो अब यहाँ पे मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी लिखोगे। अब मैं F21 फोर्स के लिए बात कर रही हूँ, तो देखो यहां से यहां जा रही हूँ, यहां से यहां, यानी कहां से कहां गई, ये आर वन मानो और ये इसको मानो। क्यू वन किस पोजिशन पे रखा हुआ है, मानो क्यू वन आर वन पोजिशन पे है, क्यू टू बच्चों किस पोजिशन पे है, R2 पोजीशन पे। तो मैं कहां से कहां गई हूं, देखो R1 से R2, तो इसे मैं कैसे डिनोट करूंगी, R12 वेक्टर, करेक्ट, ठीक है। अच्छा ये R12, यहां पे तो मैग्नीट्यूड आता है, मैग्नीट्यूड का स्केयर, ठीक है, R12 मैग्नीट्यूड का स्केयर। अब ये वेक्टर है तो मुझे वेक्टर चाहिए होगा यहाँ पे, ये तो मैग्नीट्यूड हो गया, तो एक वेक्टर है तो यहाँ भी मुझे वेक्टर चाहिए, तभी तो वेक्टर प्रूफ हो पाएगा। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगी, R12 का यूनिट वेक्टर लिख दूंगी, ठीक है बच्चों, R12 का यूनिट वेक्टर लिख दिया। अच्छा अब इसको कैसे आगे करोगे, देखो K, Q1, Q2, R12 का मैग्नीट्यूड का स्केयर, यूनिट वेक्टर को कैसे लिखते हो, वेक्टर ऑफ R12 डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ R12,
यही लिखती हो ना, यूनिट वेक्टर क्या होता है, जैसे यूनिट वेक्टर ऑफ ए लिखूंगी तो यानी ए का वेक्टर डिवाइडेड बाय इसका मैग्नीट्यूड, यही होता है हमारा यूनिट वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड क्या हो, वन हो, ऐसे बोलते हैं। तो ये हो गया इसका आर वन टू। अब यहाँ पे जो सबसे ज्यादा समझने वाली बात है कि ये आर वन टू को लिखोगे कैसे, आर वन टू को लिखोगे कैसे, तो कैसे लिखोगे, देखो आप गए पोजिशन वैक्टर आर वन से आर टू, तो हम R, जब भी हम पोजीशन वेक्टर लिखते हैं क्या लिखते हैं, R फाइनल माइनस R इनिशियल, यही लिखते हैं करेक्ट। अब yes. देखो यहाँ से R12 में देखो फाइनल कहाँ पे जा रहे हो आप, फोर्स 121 के लिए फाइनली आप जा रहे हो R2 पोजीशन वेक्टर पे करेक्ट, तो यहाँ पे लिखो R2 माइनस R1, तो ये किसकी वैल्यू हो गई बच्चों R12 की। अच्छा अब मुझे F12 निकाल के दिखाओ ऐसे ही, F12 निकालो, ये मैं साइड में लिख रही हूँ, ये वाली वैल्यू साइड में, अपने में F12 निकालो सब बच्चे। देखो यहाँ पे लिखा मैंने पोजीशन वेक्टर हमेशा कैसे निकालते हैं, R फाइनल माइनस R इनिशियल करके, तो R12 भी मैंने कैसे निकाला, फाइनल पोजीशन वेक्टर कितना है R2, इनिशियल पोजीशन वेक्टर R1। जब आप F12 निकालोगे K Q1 Q2 as it is रहेगा, अब कौन सा पोजीशन वेक्टर आ रहा है देखो यानी इस डायरेक्शन में है ना, डायरेक्शंस देखो बच्चों, डायरेक्शंस इंपॉर्टेंट है, ये डायरेक्शन यानी ये वाली डायरेक्शन है F12 के लिए, तो यहाँ पे कौन सी आएगी, टू से वन जा रही है यानी R21 का स्क्वायर, मैग्नीट्यूड ऑफ ये पोजीशन पोजीशन मैग्नीट्यूड ऑफ यूनिट वेक्टर ऑफ आर टू का, ये कितना हो गया के क्यू वन क्यू टू आर टू वन का मैग्नीट्यूड का स्केयर और ये आर टू वन का वेक्टर डिवाइडेड बाय आर टू वन। ठीक है अब आर टू वन कैसे लिखोगे, बाई फॉर्मूला आर फाइनल माइनस आर इनिशियल, फाइनली आप कौन से पोजीशन वेक्टर पे गए बच्चों, आर वन पे, तो आर वन माइनस आर टू, तो ये आपके आर टू वन वेक्टर आ गया। ठीक है अगर देखो यहाँ पे ये स्केयर है और एक इसका पावर, तो ये नीचे कितने मैग्नीट्यूड हो गया थ्री, यहाँ पे भी ये स्केयर और ये वन, ये भी कितना मैग्नीट्यूड हो गया थ्री। अब इसके बेसिस पे एक यहाँ तक समझ में आया कि आर वेक्टर पोजीशन वेक्टर कैसे लिखते हैं, यस मैम, डायरेक्शन से क्यू टू, सभी को आया, यस मैम, हाँ कि क्यू टू से क्यू वन तो यानी ये वाली डायरेक्शन, क्यू वन से क्यू टू यानी ये डायरेक्शन, तो आर फाइनल माइनस आर इनिशियल ऐसे करना है। तो अब ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कर दो, देखो आंसर सही आना चाहिए सबका, देखो जिसे समझ में ना आए प्लीज एक बार बता देना। चलो सॉल्व करें, देखो क्या कह रहा है, एक पार्टिकल Q1 पे रखा हुआ है चार्ज जिसके पोजीशन वेक्टर कितने हैं टू माइनस वन थ्री, यहाँ पे क्यू टू है, यहाँ पे है ओरिजिन जीरो जीरो जीरो। ठीक है ये यहाँ पे चार्ज क्यू टू रखा हुआ है, फाइंड द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन अनदर चार्ज पार्टिकल, यानी क्यू वन का फोर्स निकालना है क्यू टू पे, यानी आपको निकालना है फोर्स एफ टू वन। मोस्टली स्टूडेंट आर सेइंग सेकेंड सेकेंड, ओके ठीक है चेक करते हैं, जिनका नहीं हुआ है वो देखो। ठीक है यानी ये बोल रहा है क्यू वन का फोर्स निकालो क्यू टू पे,
तो आपको बच्चों F21 निकालना पड़ेगा। और आपकी डायरेक्शंस भी क्या होंगी, अगर R की मैं बात करूं, ये वाली यानी R1 से R2 पे जा रहे हो आप, ठीक है। तो K Q1 Q2 बाय R12 का क्यूब और ये R12 का पोजीशन वेक्टर, ये फॉर्मूले से आ गया। अच्छा जी, K Q1 Q2 एज इट इज रखो। अब बात आती है, आपको R12 निकालना है। R12 वेक्टर, मैंने क्या बोला है, फाइनल माइनस इनिशियल करनी है पोजीशंस। फाइनली आप कहाँ पे जा रहे हो बच्चों, इस वाली पोजीशन पे, जो कि कितनी है, 0 0 0। इनिशियल आप किस पोजीशन पे थे, यहाँ पे, तो क्या हो गया, 2 -1 और 3, ठीक है। अब इसको माइनस, इसको देखो, 0 -2 i कैप वेक्टर्स में है ना बच्चों, ये एक्स वाई जेड, एक्स के लिए आई लगाते हैं, वाई के लिए जे, जेड के लिए के। आई होप कि इतना बेसिक सबको आता होगा, ठीक है। यस मैम। प्लस वाई के लिए कितना हो जाएगा, 0 -, प्लस का 1 j, प्लस, अब देखो 0 -3 k। तो R12 वेक्टर बच्चों कितना आ गया, देखो, -2 i कैप प्लस जे कैप -3 k कैप, करेक्ट। अब यहाँ पे इसका मैग्नीट्यूड निकालो। मैग्नीट्यूड निकालने का फॉर्मूला, जो आई वाले जो उसका जो कांस्टेंट वैल्यू है उसका स्क्वायर, जे वाले का कांस्टेंट का स्क्वायर, 3 वाले का स्क्वायर, ये है मैग्नीट्यूड। इससे निकल के आता है बच्चों क्या, मैग्नीट्यूड कितना आया, 4 + 1 + 9 यानी √14, ठीक है, यानी √14 इज द मैग्नीट्यूड। यस मैम। तो ये √14 यानी 14 का 3/2, ठीक है, 14 की पावर 3/2, या अगर किसी को 14 3/2 नहीं समझ में आया किसी बच्चे को, तो देखो हिमाचल वालों बच्चों समझ आ रहा है। यस मैम। यस मैम। ठीक है, अब देखो कितना आया, √14, तो मैंने लिखा √14, ठीक है। अब इसकी पावर कितनी है, 3, तो अब इसकी अगर क्यूब कर दिया, ठीक है, इसका क्या कर दिया, क्यूब, ऐसे लिखो। अब ये है वेक्टर, तो वेक्टर आपने निकाला है ये, तो वेक्टर लिखो। अब देखो ये माइनस, तो इसको मैं साइन चेंज कर देती हूँ, ये पॉजिटिव यानी ये नेगेटिव हो गया, ये हो गया पॉजिटिव, ठीक है, इतना समझ में आया। अभी देखो, अब आपका पहले तो ये देखो वेक्टर कौन कौन से मैच कर रहे हैं, 2 वेक्टर मैच कर रहे हैं, है ना, करेक्ट। एक तो ये वाला भी मैच कर रहा है और एक ये वाला भी, मतलब आपको ये वाली वैल्यूज भी सॉल्व करनी पड़ेंगी, ये वाली, है ना। डी भी आ रहा है क्या, नैन्सी का डी कैसे आ रहा है, एक सेकंड में चेक करती हूँ। हम 0 - 2 i, ये माइनस का 2 हो जाएगा, ये प्लस का 1 और ये माइनस का 3, साइन चेंज हो गया ना, माइनस प्लस माइनस, ठीक है, ये आ गया। अब क्या करेंगे, अब इसका साइन चेंज कर देंगे। अच्छा बच्चों एक चीज देखना, ये वाला एक बार, ये वाला देखना, ये वाला इसमें भी तो यही है, j -2 i - 3 k, अगर मैं साइन चेंज ना करूं, ये वाला देखो एक बार, ये वाला, ये जो मेरा पोजीशन वेक्टर R12 आया है, यही तो आया है, j -2 i - 3 k। यस मैम। अगर yes, देखा जाए तो अब आपने साइन चेंज क्यों कराया, ये 2 i, ये माइनस j और ये प्लस 3 k, हमने उल्टा किया तो ये नहीं करेंगे, ठीक है। ये देखो हमारे पास है तो ये वाला मैग्नीट्यूड। यस मैम। तो डी बी वाले ऑप्शंस गलत हैं। वेरी गुड नैन्सी। नहीं, देखो ये मैग्नीट्यूड आया ना मेरा j -2 i - 3 k, ये आया ना R12, यहाँ पे सॉल्व किया हुआ है, देख लो खुद अपनी आंखों से, ठीक है। तो इसको ऐसे ही रहने दो जैसा निकाला है, ज्यादा हम लोग चेंज नहीं करेंगे, साइन चेंज मत करो। अगर साइन चेंज कर दिए तो फिर वो R12 नहीं आया ना, वो R21 हो गया, फिर गलती हो जाएगी। अब आगे सॉल्व करना पड़ेगा, यानी k की वैल्यू रखनी पड़ेगी, कैसे, 1/4 π ε0। अब देखो √14 है, √14 को कैसे लिख सकते हो, 14 की पावर 3/2,
ठीक है, यानी एक बार 14 एज इट इज और एक बार रूट 14 मल्टीप्लाई बाय 4 पाई एप्साइलन नॉट। ठीक है, हाँ, तो फोर्स ऑन सेकंड ड्यू टू वन निकाला है ना, फोर्स ऑन सेकंड ड्यू टू वन, तो आप कहां से कहां चले, क्यू वन से क्यू टू, तो पोजीशन वेक्टर क्या होगा, आर फाइनल माइनस आर इनिशियल, तो आर फाइनल कौन सा है आपका, अरे 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 अरे, हाँ तो आर फाइनल ये है ना 0 0 0, और इनिशियली आप कहां थे, 2 -1 और 3 पे। नैन्सी, तनिषा, जिसको प्रॉब्लम है, क्वेश्चन में पूछा है द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन अनदर चार्ज पार्टिकल क्यू टू, क्यू टू पे फोर्स निकालनी है ड्यू टू क्यू वन। हाँ नैन्सी सही बोल रही है, फोर्स ऑन सेकंड ड्यू टू वन निकालना है, करेक्ट। ठीक है, तो यहां से इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ गया, 14 × 4 कितना आ गया, 14 × 4 = 56, ये रूट 14 एप्साइलन नॉट क्यू वन क्यू टू एज इट इज, और आर वेक्टर आप लोगों ने ये निकाल ही लिया है जो आया है J -2I -3K, तो यानी आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, डी ऑप्शन इज करेक्ट। ये तनिषा कैसे बोल रही हो कि फोर्थ ऑन वन, नहीं फोर्थ ऑन वन नहीं निकालना, क्वेश्चन पढ़ो द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन अनदर चार्ज पार्टिकल क्यू टू, क्यू टू पे फोर्स निकालनी है क्यू वन की वजह से। ओके मैम, तो यानी आपकी ये डायरेक्शन आएगी पोजीशन वेक्टर की, ये वाली, यहां से यहां जो फोर्स की डायरेक्शन है उसी डायरेक्शन में चलो, वन से टू फाइनल माइनस इनिशियल, तो फाइनल आप क्यू टू पोजिशन पे गए, इनिशियल आपकी ये पोजिशन थी। अच्छा पाई भी है, ठीक है, तो पाई भी लगा देते हैं, ठीक है पाई भी लगा दिया। तो इस तरीके से देखो आपको वेक्टर्स का ध्यान होना चाहिए, वरना इतने इजी इजी क्वेश्चंस भी क्या होंगे, सॉल्व नहीं होंगे। अब मैंने क्या किया, जैसे स्टार्टिंग में मैंने क्या किया, इसकी वैल्यूज चेंज कर दी थी, है ना, अगर बच्चों मैंने वैल्यूज चेंज कर दी तो ये आर वन टू आर टू वन बन जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन गलत। ये नहीं करना, जो वैल्यू आई है वही रखोगे आप, साइन मत चेंज करना, ठीक है, ये कभी मत, वो सिर्फ मैग्नीट्यूड में कर सकते हैं, ठीक है, तो आर वन टू इज द करेक्ट आंसर। ये क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, ये वाला क्वेश्चन करो, अब देखो यहाँ पे डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू दी हुई है 16, तो अगर नहीं पता होता कि एप्सिलॉन नॉट आर को के भी बोलते हैं तो फिर कंफ्यूज कि डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है, राइट। यहाँ पे क्या करना है, R की वैल्यू निकालनी है, जब आपने उन दो चार्जेस को कहाँ रख दिया, किसी R डिस्टेंस पे रख दिया और मीडियम भी चेंज कर दिया, दोनों चीज चेंज हो गई है ना, तो देखो कैसे, F की वैल्यू कितनी है, टू पॉइंट चार्जेस प्लेस एट ए डिस्टेंस R, तो पॉइंट चार्जेस कुछ भी मान लो, 4 πε0, मान लो मैंने क्यू वन क्यू टू चार्जेस मान लिए, ठीक है, ये है आर डिस्टेंस दूरी पे रखे हैं, तो उनके बीच में फोर्सेस ये हैं। अब मैंने क्या किया, उनको किसी डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट की जगह रख दिया, ठीक है, और पहले कहाँ रखे थे, वो एयर में, एयर में रखे थे, तो एयर के लिए ये एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, बताओ, चलो छोड़ो, इसमें रखे थे, ठीक है, एयर में रखे हुए थे, ओके, तो ये वैल्यू थी। अब देखो, अब जब उनको किसी डिस्टेंस कैपिटल आर पे रखा तो उनका डिस्टेंस 4f हो गया, ठीक है, क्यू वन क्यू टू बाय कैपिटल आर स्क्वायर, और देखो अब एयर की जगह कहाँ रख दिया, मीडियम में, तो मीडियम के लिए क्या लिखते हैं, एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन नॉट आर, है ना, मीडियम के लिए,
एंड आर और एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, एयर के लिए, एयर था ना, ए जब एयर के लिए लिखा था, ये देखो मैंने बताया ना कि एयर के लिए कंपेयर करते हैं रिलेटिव परमिटिविटी को, यहाँ पे ये देखो ये नॉट क्या था, एयर के से क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं, तो वो क्या बनती है, रिलेटिव परमिटिविटी, ठीक है। तो अब यहाँ पे यही क्वेश्चन है, अब क्या करो, 4f इक्वल्स टू 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एज इट इज, एप्सिलॉन नॉट r की वैल्यू कितनी है 16, तो यहाँ क्या कर दो 16 रख दो, मल्टीप्लाई q1 q2 बाय r स्क्वायर, ठीक है, r स्क्वायर रख दिया। अच्छा अब क्या बना, 4, यहाँ पे ये f की वैल्यू जो है ये रख दो, f की वैल्यू कितनी है 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 बाय स्मॉल r स्क्वायर इक्वल्स टू q1 q2 4 पाई एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई 1 बाय कैपिटल r स्क्वायर, यहाँ पे ये 16 भी है, q1 से q2 कट गया, 4 पाई से 4 पाई कट गया, एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट कट गया, राइट, ये 16 बचा, 16 को यहाँ लेके जाओ, 4 इंटू 16 यहाँ पे स्मॉल r स्क्वायर एज इट इज लिख दो, यहाँ पे 1 बाय कैपिटल r स्क्वायर रहने दो। अब ये कितना हो गया बच्चों, 16 फोर जा 64, कैपिटल आर स्क्वायर इक्वल्स टू स्मॉल आर स्क्वायर, तो कैपिटल आर स्क्वायर कितना आ गया, आर स्क्वायर बाय 64, तो ये कितना आ गया, आर बाय 8। यस मैम, तो आपकी आर की वैल्यू कितनी आ गई, आर जिसकी आर बाय 8 आ रही है तो उनका आंसर क्या है, एकदम करेक्ट है। किसी का है आर बाय 8 नहीं आया हो जिसका, फिर से कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई क्या तनिषा? नो मैम। ठीक है, कहीं कैलकुलेशन एरर तो नहीं है। तो यहाँ पे देखो, ये डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट का जो मतलब दिया हुआ है, ये क्या है, एप्सिलॉन नॉट आर की वैल्यू, ठीक है, एप्सिलॉन नॉट आर की वैल्यू रखनी है, कभी भी मीडियम की वैल्यू देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि हमेशा रिलेटिव की बात करते हैं जब मीडियम में हम कोई भी चार्जेस रखेंगे, ठीक है। चलिए अब ये एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करो, 7-8 मिनट है तुम लोगों के पास, ट्राई इट आउट। नैन्सी का तो सबसे अलग आंसर आ रहा है इस वाले क्वेश्चन का, सी। नहीं, 56 के साथ रूट 14 भी तो आएगा नैन्सी। अगले वाले, हाँ। अच्छा तुम इस वाले का बता रही हो, ठीक है ठीक, इसका ट्राई करो। चलो देखो, इसमें भी वेक्टर मेथड है, वेक्टर आने चाहिए, थोड़ा सा हिंट दे देती हूँ इनिशियली के लिए। टू चार्ज स्फीयर्स हैं जो एक स्ट्रिंग से क्या करे गए, इक्वल लेंथ की जो दो स्ट्रिंग्स हैं उनसे क्या किया गया है, उनको सस्पेंड किया गया है, और ईच स्ट्रिंग मेक्स एन एंगल थीटा विद द वर्टिकल, तो एक वर्टिकल लाइन है, हर स्ट्रिंग उस एंगल के साथ थीटा एंगल बना रही है, ठीक है। अच्छा अब पहले इतना क्वेश्चन, अब इस क्वेश्चन में देखो, अगर स्ट्रिंग है तो जरूर टेंशन लग रही होगी स्ट्रिंग पे, तो आइडेंटिकल स्फीयर हैं, ठीक है, टू आइडेंटिकल स्फीयर्स हैं, अब इसके बीच में क्या लग रहा होगा, ये चार्ज स्फीयर्स हैं, तो चार्ज हैं तो क्या लग रहा होगा, रिपल्सिव फोर्स, यानी ये इसको इधर रिपेल कर रहा होगा,
किसी एफ ई इलेक्ट्रिक फोर्स से, ये इसको इधर रिपेल कर रहा होगा किसी एफ ई इलेक्ट्रिक फोर्स से, ठीक है। अब ये वाली स्ट्रिंग अगर वर्टिकल के साथ थीटा एंगल बना रही है, देखो यहाँ पे मैं एक वर्टिकल एंगल बना, वर्टिकल लाइन ड्रॉ करी, तो ये भी एंगल क्या बनाएगी स्ट्रिंग के साथ, थीटा एंगल। तो ये टी का कौन सा कॉम्पोनेंट आ गया यहाँ पे, कॉस थीटा कॉम्पोनेंट, ठीक है। तो अब यहाँ पे टी का कौन सा कॉम्पोनेंट आएगा, टी साइन थीटा। यहां तक किसी को प्रॉब्लम? देखो ये रस्सी थी, एक स्ट्रिंग है जो कि थीटा एंगल बना रही है वर्टिकल के साथ, तो यहाँ पे जब वर्टिकल लाइन ड्रॉ करोगे तो वो वर्टिकल के साथ यहाँ पे भी थीटा एंगल बनाएगी, विच इज कॉस थीटा, यहाँ पे साइन थीटा। अच्छा जी, अब ये स्फेयर है तो इसका कुछ ना कुछ मास भी होगा, हमने माना इसका मास है एम, ये वेट इसका एम जी डाउनवर्ड्स एक्ट कर रहा है। सिमिलरली इसका ड्रॉ करो, यहाँ पे बताओ क्या क्या आएगा, टी कॉस थीटा या टी साइन थीटा इस वाली लाइन पे? वेरी गुड, ये वर्टिकल के साथ थीटा एंगल, यहाँ पे भी मेरा टी कॉस थीटा, और ये बच्चों मेरा यहाँ पे क्या आया, टी साइन थीटा। तो कुछ कुछ इस तरीके से हमारा डायग्राम बन गया, राइट? यस मैम, ये बन गया। ओके, अभी इतना ही है। अब देखो आगे क्या कह रहा है ये, जब आपने इन चार्जेस को कहाँ सस्पेंड किया, एक लिक्विड में सस्पेंड किया, उसके बाद भी एंगल क्या रहने वाला है, एंगल रिमेन्स द सेम, एंगल कोई चेंज नहीं हुआ, एंगल विल रिमेन द सेम, ठीक है, एंगल सेम रहेगा। तो आपको क्या निकालना है, डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट निकालना है उस लिक्विड का, ये क्वेश्चन है। तो आप देखो इसका मतलब आपको थीटा चाहिए, क्योंकि इसने बोला है थीटा चेंज नहीं होगा, तो आपको थीटा चाहिए। थीटा क्या होता है हमारा, टेन थीटा। तो टेन थीटा कैसे बनेगा, टी साइन थीटा बाय टी कॉस थीटा। इक्विलिब्रियम में होंगे, क्योंकि थीटा चेंज नहीं होगा, दैट मींस दीस फोर्सेस आर इन इक्विलिब्रियम। टू कॉस थीटा को कौन सा इक्विलिब्रियम में ला रहा है, mg। साइन थीटा वाले को कौन सा इक्विलिब्रियम में लेके आ रहा है, इलेक्ट्रिक फोर्स, ठीक है, एफ। तो मेरा यहां से टेन थीटा बच्चों क्या आ गया, एफ ई बाय mg। अगर क्वेश्चन में कई बार सिर्फ इतना पूछा जाए, आगे का ना पूछा जाए, तो यहां तक इस वाले फॉर्मूले से सॉल्व करोगे कि व्हाट इज द थीटा, क्या थीटा बन रहा है, तो ये फॉर्मूला है, ठीक है, एफ ई बाय एम जी। बट इन्होंने एक स्टेप आगे पूछ लिया कि अब आप मान लो आपने लिक्विड में सबमर्स कर दिया, स्टेप आगे बढ़ते हैं, ये मैं पेस्ट कर सकती हूँ क्या डायग्राम वहां पे? अच्छा मैं दूसरा पेन लेती हूँ। अब देखो जब मैंने क्या किया, इसको सबमर्स कर दिया, किसमें, लिक्विड में। जब लिक्विड में सस्पेंड करोगे बच्चों, मुझे एक चीज बताओ, कौन सा ऐसा फोर्स है जो लिक्विड में लगता है, बायोट फोर्स, ठीक है, बायोट फोर्स लगेगा। किस डायरेक्शन में लगता है, अपवर्ड डायरेक्शन, अपवर्ड डायरेक्शन। तो मैंने यहाँ पे क्या लगाया, एक बायोट फोर्स लगाया, यहाँ पे भी एक बायोट फोर्स लगाई। अब इक्वेशंस को बच्चों बैलेंस करो, बट इसने क्या बोला है, थीटा क्या रहने वाला है, कॉन्स्टेंट रहने वाला है ना, टेन थीटा। अब नए के लिए टेन थीटा निकालो, नए वाले ब्रांच के लिए, वो कैसे निकालोगे, देखो अब यहाँ पे साइन थीटा तो एम जी को ही बैलेंस करेगा, बट यहाँ पे कैसे होगा, टी कॉस थीटा प्लस बायोट फोर्स किसके बराबर है, एम जी के बराबर है, राइट? यस मैम। मुझे तो थीटा चाहिए, तो थीटा कैसे निकालोगे, टी कॉस थीटा बच्चों किसके बराबर आ गया, एम जी माइनस बायोट फोर्स, ठीक है। अब इस वाले केस में ये आया, अब आगे देखो एम जी बायोट फोर्स का फॉर्मूला बताइए, क्लास इलेवेंथ में पढ़ा होगा ना, बायोट फोर्स का फॉर्मूला बताओ, हाँ जी बायोट फोर्स बताइए, सब भूले पड़े हो, किसी को याद नहीं है, बायोट फोर्स का फॉर्मूला नहीं पता, तो ऐसे वर्क, ऐसे काम नहीं चलेगा बच्चों, नहीं चलेगा काम, बिल्कुल काम नहीं चलेगा। बायोट फोर्स का फॉर्मूला देखो क्या होता है, अमित फॉर्मूला बताओ बायोट फोर्स का। मैम रिमाइंड कर रहा हूँ, माधव कहाँ है, माधव था ना, क्या नाम था उसका,
नहीं वो तो है ही नहीं उसमें, वो शायद दूसरे उसमें चला गया है। बाकी दिव्यांश बताओ, हर्षिता बताओ, इशिता, मयंक, नैन्सी, वीरो जी। वेरी गुड। बायोंट फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? वी रो जी। अब यहाँ पे वी रो जी भी समझ लो, वी रो जी ये क्या है? वी क्या है? वॉल्यूम। किसकी वॉल्यूम है? नेक्स्ट पेज पे ही समझाती हूँ। देखो यहाँ लिख दे, कहाँ पे लिखूं बच्चों? अगले पेज पे लिख दूं वी रो जी क्या है? देखो बायोंट फोर्स का फॉर्मूला है वी रो जी। अब ये वी क्या है? देखो बायोंट फोर्स किस पे एक्ट कर रही है? आपने जो बॉल सबमर्स करी है राइट, उसी पे बायोंट फोर्स लगेगी। तो आप जो यहाँ पे वॉल्यूम है, ये किसकी वॉल्यूम है? वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है, जो ऑब्जेक्ट क्या किया गया है? सस्पेंड किया गया है, करेक्ट। डेंसिटी क्या है? ये रो, रो इज डेंसिटी किसकी? लिक्विड की, जिस लिक्विड में सब्सटेंस को सस्पेंड किया है, रो इज डेंसिटी ऑफ लिक्विड, ठीक है बच्चों। एफ और जी इज द ग्रेविटी, तो ये आ गया एफ बी की वैल्यू। अब यहां पे आ जाओ बी रो जी। अब देखो इसने लिक्विड ऑफ डेंसिटी क्या बोला है? डेंसिटी ऑफ लिक्विड को रो से वो किया है डिनोट, तो यहाँ पे रो से ही डिनोट करो। डेंसिटी ऑफ लिक्विड गिवन है ना? यस मैम। तो कुछ नहीं करना बच्चों, फोर्स बैलेंस कर रहे हैं। मैंने तुम्हें सिखाया भी है, ठीक है, एनएलएम में बहुत पढ़ाया है। ये वी रो जी हो गया, टी कॉस थीटा एम जी माइनस वी रो जी, तो यहाँ से टी कॉस थीटा कुछ नया आ गया। अच्छा क्या करो, वॉल्यूम को भी वैल्यू, वॉल्यूम की भी वैल्यू रख दो। वॉल्यूम किसका है? ऑब्जेक्ट का। वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट किसके बराबर होगा भाई बताओ? मास पर डेंसिटी क्या होती है? मास बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम तो वॉल्यूम क्या हो गई? मास बाय डेंसिटी किसकी? ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो अब डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट कितनी है? देखो डेंसिटी ऑफ मटेरियल को किससे डिनोट किया है बच्चों? रो से। रो है सिग्मा है, रो है, ठीक है। तो अब देखो वॉल्यूम रखा मास बाय रो, ये लिक्विड की डेंसिटी, और ये जी। यहां से बच्चों एम जी को कॉमन ले लो, ये क्या बचा? वन माइनस सिग्मा बाय रो, ये आ गई टी कॉस थीटा की वैल्यू, ठीक है। यहां से टी कॉस थीटा आ गया। आई होप कि यहां तक कोई ज्यादा बड़ा हमने कैलकुलेशन नहीं करी है, ठीक है। अब डिप करने के बाद उसने बोला है थीटा टू मेरा क्या रहने वाला है? कॉन्स्टेंट। तो टेन थीटा देखो क्या होगा, कितना रहने वाला है? साइन थीटा बाय कॉस थीटा, यही है। अच्छा साइन थीटा की वैल्यू कितनी है? अब वो मीडियम में रख दिया बच्चों। मीडियम में फोर्स क्या हो जाता है? हाँ क्या हो जाता है? डिक्री। कितने से? जितना उसका क्या हो, डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट हो, वही मुझे फाइंड करना है। मैंने मान लिया डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है? के है, तो एफ ई बाय के, ठीक है, वही मुझे फाइंड करना है। अच्छा जी ये हो गया टी साइन थीटा की वैल्यू। अब टी कॉस थीटा क्या निकाला है आपने? ये एम जी वन माइनस रो बाय जी, तो ये वाला आया है जब आपने क्या करा है? आफ्टर सस्पेंशन। बट उसने बोला है कि ये टेन थीटा और ये टेन थीटा सेम रहने वाले हैं, तो इक्वेशन वन और इक्वेशन टू को बराबर कर दो। एक्चुअली ये एम इंटू वन माइनस सिग्मा अपॉन रो है, जी नहीं। हाँ सॉरी सॉरी, हाँ ये सिग्मा है, तो इसको आप सिग्मा करो। यस दिस इज सिग्मा, ठीक है। तो अब देखो इक्वेशन वन और टू क्या निकाले है? हमने टेन थीटा निकाला है, करेक्ट। तो टेन थीटा दुबोने के बाद, सस्पेंड करने के बाद साइन थीटा क्या हो जाने वाला है? साइन थीटा किसको इक्विलिब्रियम में कर रहा है? इलेक्ट्रिक फोर्स को। इलेक्ट्रिक फोर्स कितना हो जाएगा मीडियम में? हम लोगों ने पढ़ा है जब मीडियम में सस्पेंड कर देते हो तो उसी से डिक्रीज हो जाता है, तो यानी के से डिक्रीज हो गया, वही तो तुम्हें फाइंड करना है। और ये दोनों बराबर हो जाएंगे क्योंकि टेन थीटा क्या रहने वाला है? सेम। तो देखो वन इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को बराबर करो, कितना आएगा? एफ ई बाय एम जी, और ये क्या हो गया? एफ ई बाय के, एम जी कॉमन था, वन माइनस सिग्मा बाय रो। एम जी से बच्चों एम जी कैंसिल, एफ ई से एफ ई कैंसिल, तो देखो क्या बचा? के यहां चला जाएगा किसके बराबर? वन माइनस रो बाय सिग्मा। तो आपके पास ये डायरेक्ट फॉर्मूला निकल के आ गया, आप ये फॉर्मूला डायरेक्ट याद कर सकते हो।
बट इजी रहेगा कि क्या करो, ये मेथड याद कर लो, क्योंकि बीच में से बहुत क्वेश्चन ऐसे हैं जो इनबैलेंस फोर्स पे से आएंगे। ठीक है? यस मैम। तो समझ में आ गया ये क्या किया है हम लोगों ने? यस मैम। ठीक है, तो थोड़ा कैलकुलेशन ज्यादा हो गया, बट वही है, फोर्स बैलेंस कर रहे हैं। दिस इज, मैं ये पीपीटी शेयर कर दूंगी, इस पीपीटी में बहुत सारे क्वेश्चन है, एक बार ट्राई कर लेना, हो जाते हैं तो, अदरवाइज हम लोग कल डिस्कस करेंगे। ठीक है? यस मैम। यस मैम। सी यू एवरीवन, बाय स्टूडेंट, बाय एवरीवन, बाय मैम, बाय मैम, बाय बाय एवरीवन।